संभागीय मीडिया सेंटर शुरू किया है, जिसमें विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में अनेक अपराधियों को टिकट दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी का तो पता नहीं, परिवार ही टिकट बांट रहे हैं। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि मीडिया के मित्रों को भी उचित जानकारियां जो प्राप्त होंगी वो आपके आपके चैनल के आपके समाचार पत्र के और अन्य माध्यमों से आपके माध्यम से भी जमा समाज तक उन सारी बातों को पहुंचाने का प्रयास हम आप तक करेंगे, आप जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसलिए ये मीडिया सेंटर चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के अंदर झूठ छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस कई प्रकार के झूठ बोलने का प्रयास करती है और इन झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का मीडिया का जो तंत्र है, हमारे प्रवक्ता हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, ये सब भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएंगे ही, लेकिन मुझे कहने में थोड़ा सा संकोच है कि कांग्रेस अपनी हार की खींच वो कहीं निकाले, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है कि श्रीमान बंटा ढार और श्रीमान करप्शन नाथ कमलनाथ ये तो मीडिया के ऊपर ही खींच निकालना शुरू कर देते हैं। मीडिया के ऊपर ही मैं देखता हूं कई जगह पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं।